ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, क्लास 9, ठीक है ना। स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल, समझिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, लाइंस एंड एंगल से, समझिएगा। क्लास 9th का ये ज्योमेट्री का पहला चैप्टर भी है, प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि लाइन क्या होता है, और फिर जानना है ये एंगल क्या होता है, समझिएगा बात को। आपको मालूम होगा ज्योमेट्री का सबसे बेसिक टर्म होता है पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज अ फिगर हैविंग नो डायमेंशन। एक ऐसा फिगर जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है, ना डेप्थ होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। एक इस टाइप का फिगर जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? जैसे ये पॉइंट है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, समझ रहे हैं ना। मतलब कुल मिला के पॉइंट एक कंसिडरेशन है, ठीक है ना, पॉइंट का एक एजम्पशन है। तो व्हाट इज द पॉइंट? इट इज द फिगर हैविंग नो डायमेंशन, समझिएगा। हमारे पास कोई एक पॉइंट है और हमने इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में हमने क्या किया, ये एक फिगर बना दिया है, ठीक है ना, जो किसी एक पॉइंट से ड्रॉ होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली क्या होता है, एक्सटेंड हो सकता है। इसको अपन बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। क्या होता है लाइन? किसी पॉइंट से एक ऐसा फिगर जो कि दोनों तरफ, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, दोनों तरफ इनफाइनाइटली क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, दैट इज द लाइन। अगर हम उसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपन एक फिगर बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। तो सबसे पहले आपने जाना पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? इट इज द फिगर हैविंग नो डायमेंशन। और उसी पॉइंट से दोनों साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर अपन एक फिगर ड्रॉ करते हैं, दैट इज द लाइन, दैट इज लाइन। अगर उस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपन कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, देन दैट इज रे। समझ में आ गया? हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक ए और दूसरा बी। इन दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो फिगर है, दैट इज लाइन सेगमेंट, दैट इज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? इट इज द लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? इट इज द लाइन, इट इज द फिगर बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो लाइन है ना, या फिगर है, उसे अपन क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में एक माइनर डिफरेंस है। लाइन जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, और जो लाइन सेगमेंट है वो फाइनाइट लेंथ का होता है। बाकी लगभग लगभग दोनों का फिगर सेम ही होता है, बट लाइन कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का होता है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है? फाइनाइट लेंथ का होता है, डेफिनेट लेंथ का होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे समझिए। ये तो थी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ऊपर हेडिंग में लिखा लाइंस, ठीक है ना, तो बहुत टाइप की लाइन होती है, ठीक है ना। लाइन को हम अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस। और दूसरा क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात समझिएगा, कितने टाइप की लाइन? दो टाइप की लाइन। पहली कौन कौन सी? पहली पैरेलल लाइन, और दूसरी क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझिएगा, पैरेलल लाइन कौन? दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट, दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है ना। किसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस? वो सारी लाइन जो कभी भी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। कैसे? जैसे ये देखिए, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, इनको कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। क्या बोलेंगे अपन इनको? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। किसको बोलते हैं पैरेलल लाइन भाई? दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, वो सारी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। आगे समझिएगा, इंटरसेक्टिंग में तरह तरह से हैं। दोज लाइन विच कैन इंटरसेक्ट एट आइदर पॉइंट, ठीक है ना, वो सारी लाइंस जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको इस तरीके की भी दिखाई देंगी, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको इस तरीके की भी दिखाई देंगी। समझ रहे हैं बात को? इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके की भी दिखाई देंगी,
इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके की भी दिखाई देंगी, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग। ओ ए और ओ बी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। आपको इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी भी दिखेंगी, ये एल है और इसी के ऊपर क्या है? एम। एल भी है और क्या है? एम भी है। समझ रहे हैं बात को? तो कितने टाइप की लाइन? दो टाइप की, एक तो पैरेलल लाइन, दूसरा क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ आ गया? दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्ट मतलब वो लाइन जो कभी किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, दीज आर क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन आपको इस टाइप की भी दिख सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको इस टाइप की भी दिख सकती हैं, इस टाइप की भी दिख सकती हैं और इस टाइप की भी दिख सकती हैं। ये तो ठीक है, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? परपेंडिकुलर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों ना राइट एंगल पे इंटरसेप्ट करते हैं। अभी हालांकि एंगल को डिस्कस नहीं करना है हमें, हम बाद में ये चीज़ बता देंगे। तो ये कहाँ पे इंटरसेप्ट करती हैं? राइट एंगल पे। इसलिए अपन लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ये क्या कहलाती हैं? ऑपोजिट लाइंस। कौन सी लाइंस? ऑपोजिट लाइंस, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट लाइंस। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। इस तरीके से आपको बहुत सारी लाइंस के बारे में मालूम चल गया। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ऑपोजिट लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको लाइंस के बारे में मालूम भी चल गया होगा, डायग्राम भी आपके सामने है, डेफिनेशन भी मैंने बोला है, रोक के आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? ये आपके सामने लाइंस हैं। अब इसके बाद आता है एंगल्स। समझ आ गया सबको ये चीज़? बढ़िया से जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए एंगल्स, एंगल क्या होते हैं समझिएगा बात को। जैसे ना मैंने बताया पॉइंट, पॉइंट से मैं कहाँ एक्सटेंड हो गया? रे में। समझिएगा, ऐसे ही दो रे, ठीक है ना, मिलके क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंगल। समझिएगा, बेहद सिंपल है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, ये मेरे पास पॉइंट है और ये क्या है? रे है। ये बन गया रे कौन? ओ ए। कौन बन गया? ओ ए। और ये मेरे पास एक नया रे है, ओ बी। समझ रहे हैं बात को? ओ ए और ओ बी दोनों का को इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ। को इनिशियल, समझते हैं क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, अगर दो लाइन एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं तो वो पॉइंट उन दोनों लाइन का क्या कहलाएगा? को इनिशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को इनिशियल। अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वो पॉइंट उन दोनों लाइन के लिए को इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। तो समझिएगा, इन दोनों रे ओ ए और ओ बी का को इनिशियल पॉइंट कौन है? ओ। और दोनों की दोनों रो ओ से आउटवर्ड जा रही हैं, इनवर्ड नहीं आ रही हैं। क्या जा रही हैं? ओ से आउटवर्ड। एक जा रही है ओ टू ए, एक जा रही है ओ टू बी। तो इस टाइम पे जो ये फिगर फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड एंगल। व्हाट इज एंगल? इट इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन को इनिशियल पॉइंट या हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। समझ रहे हैं बात को? व्हाट इज द एंगल? इट इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, एंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अगर कोई रे बी से ओ या ए से ओ होती तो ये वाला एंगल इधर पे नहीं बनता। समझिएगा, अगर अब इसमें एंगल में दो चीज़ें होती हैं, इधर ना मैंने इसको बोला क्या? बेस लाइन। क्या बोला? बेस लाइन, ठीक है ना। क्या बोला मैंने इसको? बेस लाइन। और इसको क्या बोलेंगे अपन? टर्मिनल साइड। क्या बोलेंगे अपन इसको? टर्मिनल साइड। रे जहां से स्टार्ट हो गई, या इसको इनिशियल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और ये क्या है? टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन। किसी एक रे जिससे एंगल स्टार्ट होता है और जहां तक जाता है, तो जिससे स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन या फिर क्या? बेस लाइन। और जिस पे जाके खत्म होता है उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं?
टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन। तो इधर पे एंगल की बेस लाइन ये है और टर्मिनल साइड ये है। इसको देखिए आप ध्यान से, ये ओ ए है और ये ओ बी है। ये यहां पे क्या है, बेस लाइन हो गई और ये क्या है, टर्मिनल लाइन हो गई। ठीक है ना, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां बेस लाइन ये है, टर्मिनल लाइन ये है, यहां पे बेस लाइन ये है, टर्मिनल लाइन ये है। आप बताइए, बेस लाइन को ही क्या बोलते हैं पर, इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। एंगल कहां से स्टार्ट होगा, इनिशियल लाइन या फिर बेस लाइन से। एंगल कहां से स्टार्ट होगा, इनिशियल लाइन या फिर बेस लाइन से, और कहां पे कंप्लीट होगा, टर्मिनल साइड पे। चलो आओ एंगल बनाएं। ये मैं गया एंगल बनाने, जब मैं एंगल बना रहा था तो मैंने किस तरह का मूवमेंट किया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसा मूवमेंट किया मैंने, क्या आपकी घड़ी ऐसी चलती है, क्या क्या आपके यहाँ जो घड़ी लगी है क्या वो ऐसे चलती है? नहीं, किसी के यहाँ घड़ी ऐसी नहीं चलती। सबके यहाँ घड़ी कैसी चलती है, ऐसी चलती है। समझ रहे हैं ना, आप उधर देख भी सकते हो। समझना आगे, ये बेस लाइन, ये टर्मिनल, ये मैं एंगल बनाने जा रहा हूँ। आप भी समझते हो ना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे एंगल, बेस लाइन से, और कंप्लीट कहाँ होगा, टर्मिनल साइड में। आप अगर गौर से देखें, ये मैंने बेस लाइन से चलना स्टार्ट किया और टर्मिनल साइड पे पहुंचा। मैंने एंगल बनाने के लिए कैसा मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसा मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज, और इधर पे कैसा किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखें, जब भी हम मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा मतलब यहाँ पे एंगल है, एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा बोलिए, नेगेटिव। समझ में आ गया, तो जब भी आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो एंगल होगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। इस तरीके से आपको एंगल और एंगल की डेफिनेशन मालूम चल गई। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, ये रे याद रखना, क्योंकि अभी 11th में आ गए, कुछ भैया लोग बड़ा परेशान हो रहे थे वेक्टर में एंगल को लेके। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आगे किसी भी क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। समझ आ गया। चलिए अब एंगल के बारे में जानते हैं, बहुत टाइप के एंगल होते हैं, समझिए। एक तो होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। किसको बोलते हैं भाई एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज स्मॉलर देन 90। भाई अगर ये ऐसी लाइन होती, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर अगर होती तो क्या होता बताइए, 90 डिग्री होता। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा कम है, है ना, तो ये एम डैश बोले। तो ये एंगल कैसा होगा, ये एंगल होगा स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है ना, तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, द एंगल हुज मेजर इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। व्हाट इज द एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज स्मॉलर देन 90। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, समझिएगा। ये हो गया ओपी, ये हो गया ओएम, और आपका एंगल बन रहा है इधर पे। ये आपका एंगल हो गया एम डैश। ठीक है ना, तो ये जो पूरा एंगल है इसको बोले अगर थीटा, तो आप खुद भी देख पा रहे हो कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा होता है राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। किसको बोलते हैं भाई राइट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। बात को समझिएगा, ये हो गया ओपी और ये हो गया ओएम, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। थीटा कितना है बोलिए, 90 डिग्री। तो क्या कहलाएगा ये, राइट एंगल। तो व्हाट इज द एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज स्मॉलर देन 90। व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90। एंड राइट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बढ़िया से। ये मेजरमेंट के बेसिस पे तीन टाइप के एंगल होते हैं।
अब मेजरमेंट के अलावा भी एंगल्स के टाइप होते हैं, ठीक है ना, बताते हैं, मिटाएं इसको, हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अब मेजरमेंट के अलावा भी एंगल की वैरायटीज होती है, एंगल के टाइप होते हैं, समझिएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये कैसी साइड है, कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल। कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रांसवर्सल, द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, इट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस, क्लियर। आगे समझिए, ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अपोजिट दोनों साइड इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या बोलते हैं बताइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे समझो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बताओ, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, समझिएगा। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के जो अल्टरनेट पेयर होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और उनकी मेजर इक्वल होती है, उनकी मेजर क्या होती है, इक्वल। इन एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और इनकी मेजर भी क्या होती है, इक्वल होती है। आगे समझिएगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, इन दो पैरेलल लाइंस पे ये ट्रांसवर्सल है, ये भी लाइन के नीचे है और इधर भी लाइन के नीचे मैंने एक एंगल बना दिया। अगर इस एंगल को अल्फा बोलेंगे और इस एंगल को बीटा बोलेंगे तो याद रखें अल्फा और बीटा इक्वल होंगे, क्या बोलते हैं इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे हैं बात को, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कॉमन ट्रांसवर्सल है, और दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग, दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग, ये भी क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग, और ये भी क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग। तो समझ में आ गया, जब दो लाइन पैरेलल होंगी और उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो किस किस टाइप के एंगल प्रोड्यूस होते हैं, पहला तो अल्टरनेट पेयर, क्या प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेट पेयर, दूसरा करस्पॉन्डिंग पेयर, कौन सा पेयर, करस्पॉन्डिंग, और तीसरा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हालांकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये बाकी के दो टाइप के एंगल जो हैं सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही मिल पाते हैं, समझिएगा। तो आपको मालूम चल गया करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और क्या, अल्टरनेट एंगल। आगे समझिएगा, कुछ और टाइप के एंगल भी होते हैं, समझिएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिनमें ना एक साइड कॉमन हो, ठीक है ना, अगर हमने दो एंगल फॉर्म करे, देखिएगा जैसे ये ओ हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, अगर आप ध्यान से देखें एक एंगल बन रहा बी ओ सी अल्फा, एक एंगल बन रहा ए ओ सी बीटा, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो अल्फा और बीटा दोनों में ओ सी कॉमन है, अल्फा मतलब बी ओ सी और बीटा मतलब ए ओ सी, दोनों में ओ सी आता है। जब किसी दो एंगल के फिगर में एक साइड कॉमन हो तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, एडजेसेंट एंगल, हेयर अल्फा बीटा आर द एडजेसेंट एंगल्स, क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। इन एडजेसेंट एंगल में दो टाइप देखने को मिलता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत स्पेलिंग में ध्यान न देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स, समझिएगा बात को, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों के दोनों ना एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों के दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल दोज एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 90 डिग्री,
all those adjacent angles whose sum is 90 degree, वो एंगल जिनका सम क्या है 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. फिर सप्लीमेंट्री क्या होता है? दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दोज एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? दोज एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मालूम चल गए और सप्लीमेंट्री मालूम चल गए और एडजेसेंट एंगल्स भी मालूम चल गए. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए. समझ में आ गया? चलिए, एक और चीज होती है क्या? लीनियर पेयर. क्या होता बताइए? लीनियर पेयर. ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीनियर पेयर. समझिएगा, जैसे यहां पे अल्फा और बीटा इन दोनों ने मिलके ना एक स्ट्रेट लाइन बना दिया. क्या बना दिया? स्ट्रेट लाइन. देखिएगा, बीओसी और एओसी ने मिलके क्या बना दिया? एक स्ट्रेट लाइन एबी बना दिया है. अगर कुछ एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, इसका मतलब वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. इधर लीनियर पेयर कौन बना रहा है? अल्फा और बीटा. तो अल्फा और बीटा का सम कितना होगा, बोलो? 180 डिग्री. समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर. क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. अगर कुछ एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. और उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. समझ आ गया? इन सभी चीजों को नोट करिए, जो भी डाउट आए वो पूछिएगा. स्पीड से नोट करिए. फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल. जितना मैंने मटेरियल बताया है, इसका हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. इसको जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना. अगर ये आपको ये याद नहीं है तो मैं दावा करता हूँ, अगर आपको ये पूरा मटेरियल याद नहीं है तो लाइन्स एंड एंगल का एक भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा. आप कितना भी कोशिश कर लो, ये बेसिक टर्म्स हैं, ये जानना बेहद जरूरी है. जब आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे तभी जाके आप लाइन्स एंड एंगल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब बहुत ध्यान से रीड करिए, लर्न करिए. फिर मैं भी आपके सामने एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, बहुत बढ़िया समझ में आएगा और बनेगा भी. नोट करिए जल्दी से. देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको लाइन्स एंड एंगल की प्रॉब्लम्स, ठीक है? पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इन द गिवन फिगर विल ए बी सी बी अ लाइन, जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, समझिएगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम है. फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए. ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, समझिएगा. सॉरी, और ये डी है, ये एंगल वाई है और ये एंगल क्या है? एक्स. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इन द गिवन फिगर विल ए बी सी बी अ लाइन. अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, समझिएगा, ए बी सी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर. क्या बताया था? लीनियर पेयर. अगर ए बी सी तीनों पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो इन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है ना, तो x प्लस वाई को क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. इफ देन ए बी सी फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? अगर x प्लस वाई कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो ए बी सी क्या फॉर्म करेंगे बताइए? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे. क्या फॉर्म करेंगे? स्ट्रेट लाइन. समझिएगा बात को अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर सेकंड. इफ वन एंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट, बात को ध्यान दीजिएगा. मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऑल दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स. समझ रहे हैं ना? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर एक एंगल को मैं एक्स बोलता हूं तो दूसरा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाए कितना है? 90 डिग्री है. अगर एक एंगल एक्स तो दूसरा कितना? 90 डिग्री माइनस एक्स. लेट द एंगल्स
एक्स एंड 90 डिग्री माइनस एक्स आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात को समझिएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, वो सारे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक एंगल x तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बोलिए 90 डिग्री माइनस x। क्वेश्चन कहता है वन एंगल इज फोर टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास कितने एंगल हैं, दो, एक x और दूसरा क्या 90 डिग्री माइनस x। अगर एक x तो दूसरा क्या 90 डिग्री माइनस x। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ वन एंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। वन एंगल इज फोर टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट कौन 90 डिग्री माइनस x, तो वन एंगल इज फोर टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, तो x इज फोर टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस x। सॉल्व कर लीजिए, 360 डिग्री माइनस 4x, ट्रांसपोज करिए, x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 5x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, कितना आएगा बोलो 72, x का वैल्यू कितना है बोलो 72, इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जल्दी बताइए, इट्स कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस x, मतलब कि 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कितना आएगा बोलो 18 डिग्री। एंगल क्या क्या हो गए, 18 डिग्री और 72 डिग्री। खुद ही देखिए 18 और 72 का सम 90 है या नहीं है, बिल्कुल है, तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लेट करोगे आप, अगर एक x तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा 90 डिग्री माइनस x। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था वन इज फोर टाइम्स द अदर, कर दिया मैंने, कुछ घबराने की जरूरत है क्या, कुछ स्पेशल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बेहद सिंपल है और आपसे बन भी जाएगा, समझ आ गया। चलिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 11:7, मिटाएं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स समझते हैं ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोज एंगल्स हूज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं बोलो, सप्लीमेंट्री। अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, समझ रहे हो ना, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो, अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, क्या होगा बोलिए 180 डिग्री माइनस एक्स। बात को समझिएगा, लेट द एंगल्स आर, ये थर्ड प्रॉब्लम है, लेट द एंगल्स आर क्या होंगे बोलो, x एंड 180 डिग्री माइनस x, समझ गए बात को, दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकते हैं, एक x तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, बिकॉज द सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल विल बी इज 180 डिग्री, सॉरी द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है ना, इसीलिए अगर एक x तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया है इन दोनों का रेशियो 11:7 है, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, किन दोनों का, x और 180 डिग्री माइनस x का रेशियो कितना है बोलिए 11:7, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिग्री इंटू 11 माइनस 11x, ट्रांसपोज कर दो, 11x इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू 11 कितना आएगा बोलो 18x, 180 डिग्री इंटू 11 कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, x का वैल्यू कितना आ गया बोलो 110, x कितना आ गया बोलो 110, अनदर एंगल क्या आएगा बोलो 180 डिग्री माइनस x, x का वैल्यू कितना है बोलो 110, कितना आएगा 70 डिग्री, समझ में आ गया। तो वो दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, एक होगा 110 और दूसरा क्या होगा 70, इस तरीके से आप ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिए, घबराने की जरूरत है क्या, कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें पहले से माइंडसेट कर लो, एक एक्स होगा दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, कहीं पे भी सप्लीमेंट्री की बात करें माइंडसेट कर लो, अगर एक एक्स तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें, जैसा करने को कह रहा है वैसा करते चले जाएं, शानदार आंसर आएगा, ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट अब देखिएगा, सेवेंथ क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, सेवेंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिटाएं इसको, सेवेंथ क्वेश्चन,
समझिएगा, पूरा सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पूरा का पूरा यूज हो रहा है। सोचो अगर आपको बेसिक याद ना होता तो कैसे आप ये प्रॉब्लम कर पाओगे, समझ रहे हो ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है ना, समझिएगा, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी क्या होगा बोलो, 90 डिग्री माइनस एक्स। जानते हो ना आप किसी एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है 90 डिग्री, किसी एंगल और उसके सप्लीमेंट का सम कितना होता है 180 डिग्री। बात समझिएगा, लेट द एंगल बी एक्स, अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो, 90 डिग्री माइनस एक्स, एंड इट्स सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट विल बी क्या होगा बोलो, 180 डिग्री माइनस एक्स। समझ गए, अगर एंगल एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, अगर एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कह रहा है वैसा करो आंसर आके रहेगा, कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। सॉल्व कीजिएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, 60 डिग्री माइनस एक्स बाई 3, ट्रांसपोज करिए, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बाई 3, 90 माइनस 60 कितना होता बोलो 30, एक्स माइनस एक्स बाई 3 कितना 2x बाई 3, 15, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा बोलो 45 डिग्री, वो एंगल क्या होगा 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट भी कितना होगा 45, लेकिन 45 का सप्लीमेंट कितना होगा 135 डिग्री, और हम सब जानते हैं 45 इज 1/3 ऑफ 135। समझ आ गया, बढ़िया से क्लियर हो गया, जल्दी से आप इसको भी छाप लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्रॉब्लम नंबर 10th, इसमें डायग्राम बना हुआ है, मैं डायग्राम के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मिटा दो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 10th, सीट के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मैक्सिमम वैरायटी मैं कवर करके दे रहा हूँ, बाकी सारे प्रॉब्लम आपको करने हैं पूरी ईमानदारी के साथ, एक भी डाउट आता है तुरंत मैसेज कॉल कीजिए, डाउट पूछने में संकोच नहीं करना है। ये ना मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू, बात को समझिएगा, ओ से एक रे जा रही ओ आर, जो कि ओ क्यू के साथ एंगल बी बनाता है और ये बनाता है एंगल ए। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर पी ओ आर एंड क्यू आर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, सबको दिख रहा है यार, पी ओ आर और क्यू ओ आर मिलके क्या बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उन एंगल्स को क्या बोलेंगे लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता बोलिए 180 डिग्री। आगे समझो, इसमें क्वेश्चन में आगे लिखा है ए माइनस बी 80 डिग्री है, ए माइनस बी गिवन, क्या गिवन है ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 80 डिग्री है, एंड पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी गिवन ही है, समझिएगा। आगे बात करते हैं, फिर पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्या पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एज वी नो दैट If POR forms a straight line, then angle A plus angle B is equals to क्या होगा बोलो 180 degree। अगर POQ एक straight line है, मतलब कि POR और QOR ने मिलके एक straight line बनाया है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों angles क्या हैं linear pair हैं, क्या हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के दोनों एंगल का सम कितना होता है, या लीनियर पेयर के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ए और बी का सम कितना 180 डिग्री, ए प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री, और क्वेश्चन में गिवन है ए माइनस बी कितना 80 डिग्री, जल्दी से दोनों को ऐड कर दो, ए एंड ए 2a, 180 एंड 80 कितना 260 डिग्री, कैंसिल कर दो कितना आ गया 130, ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो 130, बाई फर्स्ट या सेकंड किसी को भी ले लो आप, बाई फर्स्ट
और सेकंड, आपकी मर्जी, मैं फर्स्ट ले लेता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट में क्या, ए माइनस बी 80 है, ए ए मतलब क्या 130 माइनस बी इक्वल कितना 80, तो 130 डिग्री माइनस 80, ये बी उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 50 डिग्री इक्वल बी, समझ में आ गया। ए का वैल्यू कितना है 130 और बी का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, समझ में आ गया। आपको ए और बी फाइंड करने थे, क्या दिक्कत वाली बात है बताओ। साफ साफ लिखा था ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और ये ऑलरेडी गिवन था। इधर से ए का वैल्यू निकालो, इधर पुट कर दो, कुछ भी कर दो, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ए निकाल लिया बी निकाल लिया, कुछ दिक्कत है क्या, हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, प्लीज नोट करिए। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ, 14 बहुत ही सिंपल है, जल्दी नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 डायग्राम दिया है, इसमें नोट करने में पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और जब मैं सीट भेजूंगा तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लापरवाही नहीं करनी है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम देखिएगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है। देखिए ये ना स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ये ओडी है और ये क्या है ओसी है। आगे समझिएगा, ये एंगल है एक्स, ये एंगल क्या है एक्स माइनस 3 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और ये क्या है ये 2x-5। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आप देख पा रहे होगे अच्छे से AOB स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या है स्ट्रेट लाइन। अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो AOD, DOC एंड BOC ये क्या है लीनियर पेयर है, क्या है ये लीनियर पेयर। एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन देन, अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC तीनों को मिला के कितना होगा बोलो 180 डिग्री। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उनके सारे एंगल मिलके क्या बनाते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के सारे एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। बात को समझिएगा, AOD का वैल्यू कितना है x डिग्री, DOC का वैल्यू कितना है बोलो x माइनस 3 डिग्री, और BOC का वैल्यू कितना है बताओ 2x-5 डिग्री, और तीनों को मिलाए कितना है 180 डिग्री। ऐड करिए 2x, 3x, 4x, 4x डिग्री माइनस 3-5 -8 इक्वल 180 डिग्री, तो 4x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 8 डिग्री। तो देखिएगा 4x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, या ऐसा कर लो यार ऐसे इकट्ठा इसको लिख देते हैं 4x-8 होल डिग्री, तो 4x-8 की वैल्यू कितनी बचेगी 4x-8 बचेगा 180 डिग्री, से डिग्री अपन क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, तो 4x इक्वल कितना आएगा 180 प्लस 8, 4x कितना आएगा 188, तो x का वैल्यू क्या आएगी 188 अपॉन 4, 4 4 16, 4 7 28, समझ में आ गया। x इक्वल कितना 47, x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 47 आ गई। अब बताओ सारे एंगल फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड करना था x ही फाइंड करना था, लो x की वैल्यू कितनी आ गई 47, क्या प्रॉब्लम बताओ। ये AOB स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये तीनों क्या फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में सारे एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। हम इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया हमने 47 फाइंड कर लिया। क्या मुश्किल लग रही, जल्दी बताओ, कुछ दिक्कत है, बन जाएगा बढ़िया से, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, बाकी सारे आपसे बन जाएंगे, आप बहुत होशियार हो, ठीक है, बना भी लोगे। देखना प्रॉब्लम नंबर 16 बता रहा हूँ मैं, 16 अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा मिटाएं इसको। प्रॉब्लम नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगी, और वो हो जाएगा तो फर्स्ट टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, फर्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस पी क्यू एंड आर एस। देखिएगा ये है पी क्यू, पी क्यू ये है आर एस, आर एस समझिएगा, पी क्यू और आर एस दो स्ट्रेट लाइन थी जो कि ओ पे इंटरसेप्ट करती हैं, ये हो गया ओ। आगे समझिए,
इसके बाद कहता है ये एंगल है 2C, ठीक है भाई, ये एंगल कितना है 4B, ठीक है ना, ये एंगल है आपका 4B, आगे समझो नीचे वाला एंगल क्या है 75 डिग्री, अच्छा कोई दूसरा रे भी है, हाँ इधर से OT एक नया रे भी है, और ये एंगल कितना है 75 डिग्री, और ये कितना है ये B है, और ये कितना है ये A है, समझ रहे हैं बात को। चलिए ये मेजरमेंट दिए हैं आपके सामने A to C वगैरह वगैरह, है ना। अब ध्यान दीजिएगा RS ना एक स्ट्रेट लाइन है, अगर RS स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर तरफ की बात करते हैं, अगर RS स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर तरफ देखिए आप क्या देखने को मिलेगा आपको कि ROQ और SOQ दोनों क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। नीचे तरफ आइए, नीचे क्या देख रहे हो आप ROP POT और SOT तीनों मिलकर क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। देखिएगा एस RS इज अ स्ट्रेट लाइन, RS क्या है स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हैं बात को, RS एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ROP एंगल POT प्लस एंगल SOT तीनों को मिलाए कितना होगा बोलो 180 डिग्री, इसका वैल्यू 4B प्लस 75 प्लस B इक्वल कितना आ गया 180 डिग्री, ट्रांसपोज करो 5B इक्वल 180 डिग्री माइनस 75, 5B इक्वल कितना आ गया बोलो 105, 5 टू 10 5 बन जा 5, B की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 21 डिग्री, B कितना आया जल्दी बताओ, B आ गया 21। अगर आप ध्यान से नोटिस करें ये RS है और ये क्या है PQ है, एज RS एंड PQ इंटरसेप्ट्स एट O, क्या देखा हमने RS और PQ दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेप्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना ये है RS ये है PQ तो ये एंगल क्या कहलाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या कहलाएंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। देन 4B इज इक्वल्स टू A बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 4 इंटू B, B की वैल्यू कितनी बोलो 21 डिग्री इक्वल A तो A की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 84, एज RS इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और RS अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये ROQ और SOQ क्या बनाएंगे लीनियर पेयर, तो एंगल ROQ प्लस एंगल SOQ कितना होगा बोलो 180 डिग्री, ROQ मतलब क्या 2C और SOQ मतलब A, A का वैल्यू कितना बोलो 84, ट्रांसपोज कर दीजिए 2C इक्वल 180 माइनस 84 कितना आएगा 96, तो C का वैल्यू कितना आएगा 48 डिग्री। आपने B फाइंड कर लिया कितना 21 डिग्री, A फाइंड कर लिया कितना 84 डिग्री और C फाइंड कर लिया कितना 48 डिग्री, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये 14th वाला प्रॉब्लम हो गया, 16 सॉरी, समझ में आ गया। चलिए तो इस तरीके से टाइप 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए, सीट भेज रहा हूँ तो पूरा टाइप 1 कंप्लीट करके आपको भेजना है, कैसा भी डाउट आए कोई भी डाउट आए तुरंत मैसेज करना है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से।